आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए अपनी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के दौरान। अब होता क्या, हम चीजें करते रहते हैं और जिससे हम मतलब अगर गलत डायरेक्शन जा रहे हैं तो यार ये हमारे रैंक पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है यार, ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं होना। जिस दिन हमें लगने लगा कि जेईई बहुत आसान है उस दिन हमारे चांसेस कम होते जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए, कॉन्फिडेंस एग्जाम को फोड़ देगा, ओवर कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा हमें फोड़ देगा। तो इस वजह से हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कॉन्फिडेंस मस्ट है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमें डुबो भी सकता है, तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस को हमें अवॉइड करना है। दूसरी बात है रिवाइजिंग, हमें क्या करना है, चीजों को बार बार रिवाइज करना है। ऐसा हो सकता है आपकी कुछ चीजें फेवरेट हो, लाइक केमिकल बॉन्डिंग, मेटलर्जी, एटीसी, जो भी आपको फेवरेट लगता हो, तो आप जाएंगे एग्जाम के अंदर, हो सकता है उसका क्वेश्चन आए, आसान क्वेश्चन आए, आप उसमें अटक जाए। ये जनरली होता है, जो फेवरेट टॉपिक होता है उसमें अटक जाता है आदमी। क्यों ऐसा होता है, वो फेवरेट तो होता है लेकिन हम उसे लास्ट पे नहीं पढ़ते, ये तो मेरा मतलब हो गया है, कवर हो गया। तो रिवाइज हमें चीजों को करते रहना है, जितना आप रिवाइज करेंगे चीजों को उतना ही आपके लिए आसान, मतलब कि ऐसा है कि बार बार आप जितना दोहराएंगे उतना आपके लिए आसान बनते जाएंगे। ना भूलने का एक ही तरीका है, बार बार दोहराना। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं लेकिन उनसे आईआईटी जेईई के लिए नहीं होता। आपने देखा होगा थ्योरी पार्ट भी बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है लेकिन आईआईटी जेईई के लिए नहीं हुआ बंदे से, तो ऐसा क्या होता है? तो आपने मतलब थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईआईटी जेईई को फोड़ दोगे। थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम, अब जो लड़के मतलब या फिर लड़कियां जो भी कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो उन्हें तो यार ये रहता है कि उन्हें आदत डाल दी जाती है कैसे मतलब क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लेकिन जो होम अपने घर पे स्टडी करते हैं उन्हें इतना आइडिया नहीं रहता, वो थ्योरी पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं। तो थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम करना ही उतना ही जरूरी जितना जरूरी थ्योरी, और थ्योरी भी ये नहीं पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमें लेना, जितना हमारा आईआईटी जेईई का सिलेबस है उतनी थ्योरी पढ़ेंगे। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ उतना ही पढ़े जितना हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम सुबह उठे हम लग जाते हैं सुबह, कभी केमिस्ट्री फोड़ दिया, कभी मैथ फोड़ दिया, कभी कुछ फोड़ दिया, ये सब नहीं करना है। हमें स्ट्रेटेजी बनानी है सुबह उठने के बाद कि हमें करना क्या है, पूरे दिन में अपना पूरा शेड्यूल बनाना है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि आपको पूरा आइडिया रहेगा कि आज मुझे क्या करना है। ये स्ट्रेटेजी आप डे पर डे बनाए, हो सकता है लंबे टाइम के लिए आप बनाएंगे इस हफ्ते मुझे ये करना है, आप उसे कंप्लीट ना कर पाए। डे में भी हो सकता है आप कुछ चीजें छोड़ दें, कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि हम सुबह में बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है तो हम ज्यादा चीजें को अपने इंक्लूड कर लेते हैं। हो सकता है कुछ चीजें छूट जाए लेकिन उन्हीं चीजों को आप अगले दिन में कवर करना है। तो ऐसे अगर आप चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगला पॉइंट है, एडवाइस सिर्फ उन्हीं लोगों से लें जिन्होंने अपने जीवन में कुछ फोड़ा हो। ऐसा नहीं है कि हम किसी से भी एडवाइस लें, एडवाइस देने वाले आपको बहुत मिलेंगे इंडिया के अंदर, तो आपको एडवाइस सिर्फ उसी आदमी से लेनी है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है जिसने कुछ एग्जाम वगैरह फोड़ा हो, अदरवाइज हमें किसी से एडवाइस नहीं लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप का, हम मतलब एक इरेगुलर स्लीप को हम फॉलो नहीं कर सकते कि हम किसी दिन कब सो गए किसी दिन कब सो गए। मेंटेन रखिए, कोशिश करिए दिन में रात में बिल्कुल आप जल्दी सो जाएं और दिन में कम से कम नींद आप लें, 1-2 घंटे की नींद ले सकते हैं दिन में, लेकिन रात को 10 से 11 बजे आपको सोना है और लगभग 4-5 बजे उठ जाए तो बहुत बेहतर होगा। 6-8 घंटे की मिनिमम आपको नींद रखनी है, 6 से कम नहीं सोना है, 6 घंटे। नेक्स्ट पॉइंट है मतलब हम पूरे दिन पढ़ ही रहे हैं तो अगर पढ़ने से ही अगर सिलेक्शन होता तो फिर आप तो 20-22 घंटे पढ़ते रहते फिर तो हो जाता सिलेक्शन। तो सिर्फ थोड़ा बहुत टाइम हमें खेलने कूदने, आपको अगर डांस करने का शौक है, नाचने का शौक है, गाने का शौक है, आप उसमें भी दीजिए 1-2 घंटा आप उसमें दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रहना है। आप ये नहीं कि आप उन्हीं चीजों को लेकर बैठे रहें, तो दिन में आप थोड़ा सा टाइम 1-2 घंटा उनमें जरूर दें। आपको ये क्या होगा, आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपकी मेंटल स्टेट को अच्छा रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमें मोबाइल का यूज कैसे करना है। मोबाइल का यूज आपको सोशल मीडिया से यार जितना आप दूर रहे उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यूट्यूब पर भी आप सिर्फ अपने स्टडी से रिलेटेड ही चीजें देखें, ये नहीं कि आप किसी की वीडियो देखने चले गए, तो आपको बहुत ज्यादा मोबाइल किसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है आज के टाइम में और बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे किस कैटेगरी में बिलोंग करना है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सुनने में लेकिन आपको किसके लव वगैरह के चक्कर में अभी अपनी प्रिपरेशन के दौरान में नहीं पढ़ना है, क्योंकि यार ये चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। अभी नुकसानदायक कैसे हो सकती है, अट्रैक्शन होना, फीलिंग्स होना किसी के लिए अलग बात है, वो जनरली सबके साथ होता है, लेकिन अगर हम पूरे दिन उसी पर्सन के बारे में सोचते रहे या फिर इमेजिन करते रहे तो हो सकता है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। तो लव इट्स मतलब थोड़ा सा अगर आप थोड़ा बहुत है तो इट्स ओके, अगर अदरवाइज ये काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉलोइंग टू मेनी बुक्स, जनरल स्टूडेंट होता है वो भी ठाली, वो वाली बुक भी ठाली, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। सिर्फ पर्टिकुलरली 1-2 बुक बहुत ज्यादा अच्छी है हमारे लिए, वो ही फॉलो करें। अदरवाइज कुछ पर्टिकुलर चीजें नहीं आ रही है तो आप कई सारी बुक में खोज सकते हैं, ये नहीं कि हम पहले उस बुक से बहुत
एक बुक ही सफिशियंट होती है। अगर आप एक बुक अच्छे से करेंगे तो एक बुक ही सफिशियंट होती है, या फिर मेरा मानना तो यह है कि आप दो बुक को एक एक बार करें, उससे अच्छा तो आप एक ही बुक को दो बार कर लेंगे, तो आपका हो सकता है आपकी रैंक में इंप्रूवमेंट आए और आपके स्कोर्स में भी इंप्रूवमेंट आए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।